हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। दोस्तों, प्रम क्लासेस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वो कुछ सवाल, वो कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, उनका यदि आपने ध्यान से सुन लिया या पढ़ लिया उनको परम क्लासेस चैनल पर, तो दोस्तों आपकी आखिरी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है, संचार क्या है। क्वेश्चन छोटे हैं, आंसर भी छोटे होंगे, लेकिन असरकारक होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो आज हम बात करने वाले हैं लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है, संचार क्या है। संचार है समान आचार संहिताओं को ध्यान में रखकर किया गया संप्रेषण कार्य है। मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का सफलतापूर्वक किया गया आदान प्रदान संचार कहलाता है। सफलतापूर्वक मतलब एक कहे, दूसरा सुने और सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दे, वो क्या है? सफलतापूर्वक। इसमें क्या होगा, आपका फीडबैक भी है, आपकी बाधा भी है। कई बार क्या, हम नहीं सुन पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि मशीन की आवाज हो सकती है, भाषा संबंधी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, तो ये सारी चीजें। दूसरा आता है कि संचार के तत्व क्या है। संचार क्या है ये तो जान लिया, संचार के तत्व कौन से, कौन कौन है जो संचार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों वो है स्रोत, सोर्स मतलब संचारक, कम्युनिकेटर, गेटकीपर, संप्रेषक। दूसरा है संदेश, संदेश मीन्स मैसेज जो कि जाना है। तीसरा है माध्यम जिसके थ्रू जाएगा, वो माध्यम कोई सा हो सकता है, हवा हो सकती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, आपका प्रिंट मीडिया हो सकता है, आपका ट्रेडिशनल मीडिया हो सकता है और सोशल मीडिया हो सकता है। यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है, यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो हमें उस ढंग का यूज करना पड़ेगा माध्यम। उसके बाद आता है रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता या ऑडियंस। अगला है इसमें जो तत्व हुआ है शोर या बाधा, डिस्टर्बेंस, नॉइस, और लास्ट है फीडबैक। जब फीडबैक की बारी आती है तो रिसीवर है वो कम्युनिकेटर बन जाता है और कम्युनिकेटर वो रिसीवर बन जाता है। ये प्रोसेस होती है पूरी आपकी इसमें संचार के तत्वों में। अब बात आती है स्रोत कौन है, सोर्स कौन है। सोर्स वह व्यक्ति है जो कि संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है। हम यदि इसका एग्जांपल लेना चाहें तो जैसा कि न्यूज़पेपर का ऑफिस है, वहां पर सोर्स कौन है, सोर्स न्यूज़पेपर नहीं है, सोर्स वो एडिटर है जो तय करता है कि उसके जो रीडर है, जो पाठक है, उन तक कौन सी सूचना जानी उचित है और कौन सी नहीं है, इसका तय करने वाला कौन है, एडिटर। तो एडिटर क्या हुआ, सोर्स हुआ, आपका कम्युनिकेटर हुआ, आपका गेटकीपर हुआ, आपका संप्रेषक हुआ और आपका संचारक हुआ। अब बात आती है संदेश का क्या मतलब है। संदेश मीन्स मैसेज जिसका कि संचार करना है। लेकिन दोस्तों, संदेश वही उचित है जो कि दोनों के काम का, एक कहे दूसरा सुने, ये तो ठीक है, लेकिन एक कहे दूसरे के लिए जरूरी हो तभी तो सुनेगा और वो प्रभावी हो तभी सुना जाएगा, ये है आपका संदेश। अब आता है आपका माध्यम, जिस माध्यम से या जिसके जरिए संदेश है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या पहुंचाया जाता है, वह है माध्यम, मीडियम या मीडिया। मीडिया होता है दोस्तों, क्योंकि मीडियम हो गया भाषा का प्रकार, किस भाषा में आप उस तक मैसेज है या संदेश पहुंचाते हैं। अब मीडिया क्या होगा, भाषा हो गई, ध्वनि की तरंगे हो गई,
सांकेतिक भाषा हो गई दोस्तों, भाषा तो हो गई, जैसे हम क्लास में बातचीत करते हैं तो हमारे पास क्या है, भाषा एक माध्यम है। ध्वनि की तरंगे, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं। बात रही संकेत की, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है घर पर मेहमान आए होते हैं और हम बच्चों को डांट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं, या हम किसी काम में शाबाशी देनी, अच्छा काम किया, उसकी पीठ थपथपाते हैं। ये जो है वो क्या है, सांकेतिक भाषा में किया गया निषेध है। फिर आप प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, प्राप्तकर्ता जब आता है तो दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, एक तो रिसीवर पर एक ऑडियंस। दोस्तों रिसीवर वह व्यक्ति है जिसके काम का वो संदेश था और उस तक पहुंच गया, वो तो है रिसीवर। लेकिन जब ऑडियंस की बात आती है तो ऑडियंस का मतलब है सुनने वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के का एग्जाम होना था और वो कई दिनों से लीव पर चल रहा था, स्कूल के अंदर नदारद था, तो टीचर ने उसके घर पे फोन किया कि वो एग्जाम के दिन आ जाए, इसके लिए फोन किया कि दो दिन बाद एग्जाम है। तो हुआ क्या, किसी कारणवश उस स्टूडेंट ने फोन नहीं उठाया, उसके घर वालों ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं हम बता देंगे उसे जब आएगा, और वो भूल गए, उनका एग्जाम निकल गया। तो जो भूल गया वो ऑडियंस है, क्योंकि उसके काम का नहीं था। ऑडियंस उस पर अमल करे या नहीं करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिसीवर है वो अमल करेगा, चाहे नकारात्मक ढंग से करो चाहे सकारात्मक ढंग से, ये दोनों में फर्क है। ऑडियंस तो होगी भीड़, और रिसीवर हो गया श्रोता या प्रापक, जिसके काम का है जो उस पर अमल करेगा वो है। बात आती है शोर क्या चीज है, बाधा क्या चीज है संचार में। दोस्तों जो संचार में बाधा की बात आती है उसका मतलब है वह व्यवधान जिसकी वजह से हम प्रोसेस नहीं कर पाते पूरी। कई बार ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे कई बार बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है वो ध्यान नहीं देते हैं, जब उन्हें पूछा जाता है कि आपको समझ आया, बोला हाँ, कॉलेज का आंसर दीजिए, नहीं दे पाता है, तो वो क्या है, फिजिकली रूप से तो वहां है लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से क्लास में नहीं है। दूसरा हो गया आपका भाषा संबंधी, जैसे आपको हिंदी में जानना, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हो गया भाषा संबंधी। ये अलग एक भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी है, जैसे कई बार मौसम खराब हो जाता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये है। कई बार कार्यक्रम की वजह से भी नहीं हो पाता, तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी शौर्य या बाधा, वो तत्व है जो कि आपका जो संदेश है वो प्रापक तक सही अर्थों में या उसी वे में नहीं पहुंचता जिसमें आप पहुंचाना चाहते हैं। बात आती है फीडबैक की, प्रतिक्रिया। दोस्तों ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप बोलकर कहें लिखकर कहें, आप सांकेतिक भाषा में फीडबैक दे सकते हैं। जैसा कि एक नेताजी बहुत ज्यादा भाषण दे रहे थे लेकिन अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो टमाटर कभी आलू कभी चप्पल फेंकने लगे, ये भी फीडबैक है। और एक स्वामी विवेकानंद थे जिनको सुनने के लिए लोग वहीं खड़े रह गए, ये फीडबैक था। मतलब इतने लालायित थे लोग कि मतलब उनको पता ही नहीं लगा रात और दिन क्या होता है, ये फीडबैक है। तो ये दोस्तों ये चीजें हैं संचार को जो पूरा करती है। उसके बाद बात आती है एनकोडिंग क्या होता है। संचार में एनकोडिंग और डीकोडिंग दो वर्ड है। एनकोडिंग का मतलब होगा संदेश को प्राप्तकर्ता की समझ में लाने लायक भाषा अथवा अन्य माध्यम में तैयार करना, प्राप्तकर्ता की समझ में आ जाए, प्रापक की समझ में मैसेज आ जाए तो उसको उस भाषा में तैयार करना क्या है एनकोडिंग। अब आती है डीकोडिंग, एनकोड किए गए संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा समझना, जब समझ जाता तो क्या है डीकोड हो गया, एनकोड जिसे हमने उस भाषा में उसे तब्दील किया बदला, और डीकोड क्या है उसने ग्रहण किया प्रापक ने जिसके काम का था वो मैसेज। अब आता है संचार के प्रकार क्या है। दोस्तों जब संचार के प्रकार की बात की जाती है तो मुंडे मुंडे मत्ती भिन्ने कई तरह के हैं, लेकिन इससे पहले एक बात करना चाहेंगे कि संचारक कौन है। संचारक वह व्यक्ति है जो कि मैसेज को आगे कन्वे करता है,
वर्ण का सबसे पहला संचार कौन? नारद। नारद मुनि है सबसे पहले और सबसे महान संचारक जो है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार नारद जी है, वो पहले संचारक हुए। अब बात आती है संचार के प्रकार कौन से हैं, मौखिक, सांकेतिक और लेखिक। तो मौखिक तो हो गया बोलकर किया गया संचार, सांकेतिक संकेतों द्वारा, और लिखक जो है नॉन वर्बल मतलब रिटन वाला लिखावट में, और एक होता है अंतःव्यक्तिक। अंतःव्यक्तिक संचार क्या होता है? अंतःव्यक्तिक होता है अंदर से, आदमी के अंदर जब कोई बात हम करते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में ये चलता है और इतनी जल्दी वो प्रोसेस करता है कि हमें पता नहीं चलता और वो बाहर आ जाता है। अंतः व्यक्ति, अंतः मीन्स व्यक्ति के भीतर भीतर जो हो रहा है, इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और जैसे कि हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, या हम किसी को दुआ देते हैं, या पहले के ऋषि मुनि श्राप देते थे, ये सारा, या हम आशीर्वाद लेते हैं या आशीर्वाद देते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं बड़ों को, जो वो आशीर्वाद देते हैं, कई बार बोलते नहीं लेकिन आशीर्वाद देते हैं, वह अंतः व्यक्ति होता है, राइट। अब आया अंतर व्यक्ति, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, एक कहता है एक सुनता है, तो क्या हो गया? अंतर व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति के बीच में। फिर आया समूह संचार, समूह में होने वाले संचारिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामूहिक संचार कहते हैं। सामूहिक संचार में क्या है? दो या दो से अधिक लोग हैं वो उसमें आएंगे, जो कि आपस में बात करेंगे और वो आपस में मतलब की बात करेंगे। संचार क्या कहता है? मतलब की बात करो। इसके बाद बात आती है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स हो गया आपका बड़े जन समूह के बीच होने वाला संचार। पर इसकी विशेषता यह है कि वहां पर जब मास कम्युनिकेशन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया काम में लिया जाएगा, यह उसकी प्रमुख विशेषता है। बात आती है संचार और जन संचार के कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों इसके कार्य क्या है? पहला है सूचना देना, क्योंकि उसका मेन कार्य यही है, प्रमुख कार्य यही है, जो संचार का प्रमुख कार्य है सैप और सूचना, सूचना देना, आगे तक सूचना पहुंचाना। दूसरा है शिक्षित करना, टू एडुकेट, फर्स्ट टू इन्फॉर्म, सेकंड टू एडुकेट मतलब शिक्षित करना। तीसरा मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना। अगला निगरानी करना, निगरानी मीन्स आपके चौकस, आपको चेतावनी देते रहना, ये सर एजेंडा तय करना, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्यों आगे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सारा एजेंडा तय किया जाता है। विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करना, आपस में एक राय बनाना, ये सारा इसका कार्य है। आजादी के समय की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं कौन सी है, ये पूछी जा सकती है आपको किसी भी एग्जाम में, तो वो है पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। इसमें उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सारे न्यूज़पेपर भी लिए जाएंगे, नाम जेम्स डगलस सिक्की, ये सारे हैं। अब आ जाती है रेडियो, कि रेडियो हमारे विश्व में जो ये ब्रह्मांड है इसमें कहाँ से आया वर्ड है। दोस्तों रेडियो जैसा कि मानते हैं कि ध्वनि तरंगे हैं, हम जानते हैं, जो कि ध्वनि तरंगे उपग्रहों के माध्यम से, ये अब इसका मैं बता दूं, हिंदी अनुवाद रेडियो का आकाशवाणी। दोस्तों ये आकाशवाणी भारत में पहले से ही है, क्योंकि आप कभी का ले लें, कभी किसी भी युग का ले लें, आप त्रेता ले लें, द्वापर ले लें, सतयुग ले लें, आकाशवाणी होती थी। जैसे कि कृष्ण जन्म के समय हुई थी, देव की जब जा रही थी तो कंस को ये आकाशवाणी हुई थी कि कंस
देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी मतलब ध्वनि तरंगे आना ब्रह्मांड में, तो वही चीजें रेडियो की है। तो रेडियो अलग नहीं है, आकाशवाणी है। इसका भारत ने वैसे आविष्कार कर दिया था, लेकिन यदि हम वर्तमान युग में पढ़ें महाभारत काल के बाद का या जो भी है कलयुग जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान युग, तो उसमें हम जो इसका जनक है रेडियो का वो है इटली के जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया। सन 1921 में इसका आविष्कार हुआ भारत में। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई कब? 1921 में। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत बाय लॉ एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई। बात आती है एफएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट। भारत में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत सन 1993 में हुई। इसके अलावा एक रेडियो और है, वो है हैम रेडियो। हैम रेडियो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रमुख क्वेश्चन है। और ये हैम रेडियो तीन लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इनका पहले नाम का पहला अक्षर है वो एच ए एम है। एच का हर्ट्ज, ए का आर्मस्ट्रांग, एम का मार्कोनी, तीनों ने मिलकर इस सर्विस को चालू किया, इसलिए ये हैम रेडियो बन गया। फिर आज टेलीविजन, टीवी जिसे हम दूरदर्शन कहते हैं, दोस्तों भारत में इसका भी आविष्कार पहले ही हो चुका। और यह भी कब? जब महाभारत काल था। हुआ क्या, उस समय भगवान कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वो लाइव महाभारत का युद्ध देख सकता है। तो दोस्तों ये जो था ये कुछ और नहीं, ये टेलीविजन ही था, और वो कलर टेलीविजन था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सारे ग्रंथ कैसे बना, क्या हुआ, वो सारे नष्ट कर दिए गए आक्रांताओं द्वारा। और वर्तमान युग में फिर ये भारत में टीवी आया, और उसकी शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। भारत में विधिवत शुरुआत हुई दूरदर्शन की, जिसे हम टेलीविजन कहते हैं। फिर वह दूरदर्शन के मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है दूरदर्शन के, जिसकी वजह से हम इसका भारत में आगमन हुआ, सामाजिक परिवर्तन, लोगों की सामाजिक सोच में बदलाव आना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास करना, पर्यावरण जो है सुरक्षा करना, संरक्षण करना, सामाजिक विकास करना, खेल संस्कृति का विकास करना, सांस्कृतिक धरोहर को बचाना, ये इसके उद्देश्य रही है। उसके बाद आता है समाचार क्या है। हमने पढ़ लिया संचार के बारे में, अब हम पढ़ेंगे समाचार के बारे में। दोस्तों ये वोकैबुलरी है जो आज हम बात कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। और ये प्रमुख रूप से तो यूजीसी नेट और आपका जो पीआरओ का एग्जाम है उसमें तो 101% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों समाचार श्रम प्लस आचार, समान आचार संहिताओं में रखकर किया गया लेखन समाचार है। आचार संहिता कौन सी है? नया हो, संक्षिप्त हो, ये चीजें हैं। दोस्तों किसी भी ऐसी ताजा घटना की जानकारी जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जानने की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता हो, तो जिसे कि अब से पहले किसी ने नहीं जाना, तो वो है समाचार। अब से पहले मतलब एकदम नूतन, नया, जो नया है वो समाचार है। दोस्तों थोरो ने इसके बारे में बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि यदि बुरी बात को छुपाने के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ है, तो उस बुरी बात को अनुद्घाटित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए समाचार प्रचलन ये है। और ऐसी एक चीज चेलपति राव ने कहा है, उनका कहना था कि कुछ अलग हटकर हो तो न्यूज बनती है, जैसे कि यदि कुत्ता आदमी को काट खाए तो न्यूज नहीं बनती, लेकिन गुस्से में आकर आदमी कुत्ते को काट खाए तो न्यूज बनती है, और ये कभी होता नहीं। तो कुछ अलग हटकर हो तो न्यूज बनती है,
दोस्तों इसके अलावा समाचार के तत्व क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यूज। फर्स्ट है न्यू, नया, एकदम ताजा, फ्रेश। क्योंकि दोस्तों प्रकृति के यौवन का श्रृंगार न करेंगे कभी बासी फूल, इन पंक्तियों में ये नयापन दिखाई देता है। क्योंकि जब हम मंदिर में भगवान की पूजा बासी फूलों से नहीं करते, चाहे वो फ्री में मिल रहे हो तो नहीं करते, वैसे ही जो पाठक है वो समाचार पत्र या मीडिया के लिए भगवान है, और वो भगवान की पूजा कभी बासी समाचारों से नहीं कर सकते। बात आती है निकटता, समीपता। जो आपके निकट महसूस करेंगे वही समाचार बनेगा तत्व जो प्रमुख है। क्योंकि यदि एक घटना जयपुर में हो रही है और आप जयपुर में रह रहे, और एक घटना हो रही है मुंबई में, हालांकि दोनों का असर है हमारी जिंदगी पर क्योंकि हम भारत में रहते हैं, लेकिन ज्यादा किसका है जो हमारे पास में नजदीक में है। उसके बाद आता है प्रभाव, जो ज्यादा प्रभावित करेगा, कितना प्रभाव पड़ा है वो है। अगर जन रुचि, लोगों की जितनी ज्यादा रुचि होगी जानने की, वो समाचार उतना ही अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा संक्षिप्तता, आज की इस भागा दौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो ठहर कर रुक कर न्यूज पेपर पढ़ ले, संक्षिप्त होना चाहिए हेडिंग और पैराग्राफ दोनों। संपादन क्या है दोस्तों, बहुत ही एक अजीब सा सवाल है कि संपादन क्या है। मुंडे मुंडे मति भिन्न, जितने मुंह है जितनी दिमाग है उतनी परिभाषाएं हैं। संपादन का मतलब है अशुद्धियों को निकाल कर उसे पठनीय बनाना, संपादन है। इसका एग्जांपल है घर पर नमक ज्यादा हो गया सब्जी के अंदर, तो वैसे परोसा नहीं जाएगा उसका, तो उसको हमारी माता बहनें जो घर में हैं वो कोई ऐसा उपाय कर देगी तो उसका कि उसका जो नमक है वो कम हो जाए और वो खाने लायक हो जाए। ये चीजें हैं दोस्तों, ये हम दैनिक जिंदगी में देखते हैं संपादन को। संपादन कई बार होता है, एक टेलर है वो आपका शर्ट बना रहा होता है, उसे थोड़ा सा गलती हो गई कहीं, जब कोई तिरछी कट गई तो वो फैशन बन जाता है, ये संपादन है और वो पहनने के लायक बना देता है उसको। ऐसा ही संपादन के सिद्धांत के, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। पहला है तथ्यों की शुद्धता का ध्यान रखना, शुद्ध हो, सही हो। यदि कोई ऐसी न्यूज आपको लग रहा हो कि इसमें संदेह है तो मत बनाओ, मत उसको छेड़ो, आप वैसा ही रहने दो। दूसरा है वस्तुनिष्ठता और निजी विचारों से बचना चाहिए, हमें अपने जो निजी विचार है पर्सनल थिंकिंग है वो नहीं थोपनी है, क्योंकि दोस्तों पर्सनल यदि हम हो गए तो पब्लिक का हम ध्यान नहीं रख पाएंगे और पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। निष्पक्षता, ना उधो को लेना ना माधो का देना, बिना भेदभाव निष्पक्ष होना चाहिए। सत्य, निष्पक्ष, सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, तभी हम जाकर उसका सही ढंग से कर पाएंगे, सही ढंग से हम न्यूज दे पाएंगे। तो अगला है स्रोत, सोर्स कहां से आई है, सोर्स होना चाहिए पवित्र होना चाहिए। हालांकि लोग जो है सोर्स के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सोर्स ऐसा होना चाहिए जब एकदम जरूरत हो जाए, जब हाई कोर्ट है वो पूछे, हाई कोर्ट का अधिकार है, जब केस आगे चल जाता है तो हम उसका बता पाए कि सोर्स ये है, यहां से न्यूज आई है, ऑथेंटिक होना चाहिए सोर्स दोस्तों। उसके अलावा है दोस्तों वो क्या बैसाखियां हैं जो कि पत्रकार के लिए अनिवार्य है और जिनकी सहायता से पत्रकार है वो पत्रकारिता के पथ पर निर्बाध गति से चल सकता है। वो बैसाखियां हैं सच्चाई, ईमानदारी, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, सत्यम शिवम सुंदरम। यदि ये है तो पत्रकार की बैसाखियां उसे गिरने नहीं देगी। संपादकीय क्या होता है, संपादकीय जैसा कि हम नाम से जानते हैं, ये संपादक ये न्यूज पेपर की आत्मा है। संपादकीय इस पृष्ठ पर जो दिया जाता है आर्टिकल, विभिन्न घटनाओं पर
संपादक है अपनी राय देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि संपादक लिख रहा हो उसे, यह विषय की विषय का विशेषज्ञ लिखेगा और वो उसकी जो है शैली और उसके विचारों के अनुरूप होगा, ये जरूरी है। अब बात आती है कार्टोग्राफी क्या होता है। कार्टोग्राफी ये कोई भी नहीं जानता और पहली बार आप जानेंगे इसे आज के इस क्लास के अंदर। ग्राफ आदि के माध्यम से समाचारों, विभिन्न घटनाओं और आंकड़ों को प्रकट करना ही कार्टोग्राफी है। पत्रकारिता के विभिन्न रूप कौन से हैं, प्रकार कौन से हम पढ़ेंगे, खोजपरक पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं, हमारे भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है पहलका स्टिंग ऑपरेशन, बाद में ऑपरेशन दुर्योधन, बहुत से आए लेकिन सबसे पहला पहलका था, उसने पहलका मचा दिया। तरुण जय तेज पाल, उसके बाद है इसका मतलब है गहराई से छानबीन करके ऐसी सूचना या तथ्य को बाहर निकालना जिन्हें छुपाने या दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विशेषकृत पत्रकारिता, विषय विशेष की पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली पत्रकारिता क्या है। विशेषकृत पत्रकारिता कोई भी हो सकती है, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, कोई भी, जितने हमारे समाचार के अंग हैं, समाज के अंग हैं, उतनी सारी तरह की पत्रकारिता हो सकती है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। वॉचडॉग विभिन्न सरकारी काम काज पर नजर रखने वाली पत्रकारिता वॉचडॉग है। वॉचडॉग का मतलब हो गया कि निगरानी रखने वाला, उन पर पैनी दृष्टि रखने वाला। अब आती है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है। किसी खास मुद्दे पर जनमत तैयार करने से संबंधित पत्रकारिता, जैसे पॉलिथीन का प्रयोग न करना, इससे संबंधित जो अभियान है वो एडवोकेसी जर्नलिज्म के नाम से जानी जाती है। फिर वैकल्पिक पत्रकारिता, किसी स्थापित व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करना, वैकल्पिक पत्रकारिता है। अब है पेज थ्री पत्रकारिता। पेज थ्री पत्रकारिता ये है, रईस और पैसे वाले लोग तथा फिल्म और उद्योग जगत के लोग अपनी निजी जीवन से जुड़ी पत्रकारिता को मार्केट में उतारते हैं। यह हल्की पत्रकारिता मानी जाती है, दोयम दर्जे की पत्रकारिता मानी जाती है। फिर पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, जैसा नाम से जाना जाता है कि ये कीचड़ उछालू पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। सनसनीखेज और अपराध जगत से जुड़ी पत्रकारिता तो है ही येलो जर्नलिज्म, लेकिन इसका ज्यादा शब्द का उपयोग उस जगह लिया जाता है जहां पर दादागिरी के साथ पत्रकारिता की जाती है और वो आज के युग में बहुत ज्यादा हावी हो रही है। फिर डेडलाइन क्या होता है। डेडलाइन कौन सी चीज होती है। डेडलाइन का मतलब क्या है। डेडलाइन वह है समाचारों के प्रकाशन अथवा प्रसारण की निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन या जीरो आवर कहते हैं। डेडलाइन क्या है कि इसके बाद समाचार का प्रकाशन आमतौर पर नहीं किया जाता, लेकिन बहुत बड़ी घटनाक्रम हो गया, कोई जो देश में एक घटना घटी है और वो पाठकों तक पहुंचाना जरूरी है, जैसे भूकंप का आना, राष्ट्रपति के साथ कुछ हो जाना, प्रधानमंत्री के साथ हो जाना, ये सारी घटनाएं ऐसी है जो कि दबाई नहीं जा सकती और लोगों तक जल्दी पहुंचाना अनिवार्य है। इसलिए यह है प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबार, पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट है। फिर छापे खाने का आविष्कार कब हुआ, जिसके बाद की हमारे यहाँ समाचार पत्र और पत्रिकाओं का बोलबाला हुआ। दोस्तों छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जिसे हम छापा खाना कहते हैं वो 1556 में गोवा में खुला, या वहां पे ये प्रिंटिंग प्रेस लगी। मुद्रित माध्यम की खूबियां क्या है, क्या विशेषताएं हैं, हम जान लेते हैं। जो स्थायी होते हैं, चिंतन और विचार दे सकते हैं, कर सकते हैं हम और दोहरा सकते हैं उसे, ये है। फिर है मुद्रित माध्यमों की कमी क्या है जिसकी वजह से हम अपना नहीं सकते। पहला तो है निरक्षर इसके साथ काम नहीं कर सकते, निरक्षरों के लिए यह फायदेमंद नहीं है क्योंकि पढ़ नहीं पाते। दूसरा तात्कालिक खबरों का प्रसारण संभव नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो नहीं दे सकते, जो छप गया वो अब अगले दिन ही छपेगा, और सीमित स्थान है और
स्थान घेरता है, मतलब हमने कहीं न्यूज पेपर रख दिया तो स्थान घेर लेंगे, जगह घेरते हैं। उसके बाद है रेडियो की खूबियां क्या है, सस्ता है और सुलभ है और अनपढ़ के लिए, अनपढ़ है वो सुनकर निर्णय ले सकते हैं। फिर रेडियो की कमियां क्या है, वापिस से दिन सुनना चाहे यदि रिकॉर्ड नहीं की तो सुन नहीं सकते, और समझ में न आने की दिक्कत, यदि नहीं आई समझ में तो हम क्या करें। उसके बाद टेलीविजन की खूबियां क्या है, दृश्य एवं श्रव्य दोनों चीजें हैं, अनपढ़ों के लिए उपयोगी है, खबरों का तत्काल प्रसारण जिसे कि हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं वो आप तक पहुंचती है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब भी जान लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है कि जैसे समाचार चल रहा है उसके बीच में उस समाचार को रोक कर एक ऐसी सनसनीखेज खबर दे देना जिसका कि पाठक है वो या जो सुनने वाले हैं दर्शक हैं ऑडियंस है रिसीवर है वो वेट नहीं कर पाते, वो देना अति अनिवार्य हो जाता है, तो वो हो गई ब्रेकिंग न्यूज। मतलब न्यूज को बीच में रोक कर जो लगातार जो रूटीन का कार्यक्रम उसको रोक कर बीच में न्यूज देना, और कई बार होता है। उसके बाद है अल्ट्रा पिरामिड न्यूज शैली, क्या होती है, रेडियो समाचारों के लेखन की शैली जिसमें किसी समाचार के सबसे महत्वपूर्ण भाग को सबसे पहले लिखा जाता है और कम महत्वपूर्ण बाद में लिखा जाता है, जैसे कि न्यूज पेपर में भी होता है और रेडियो में भी किया जाता है। टेलीविजन समाचारों के विभिन्न चरण कौन से हैं, पहला तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट एंड लाइव एंड एंकर पैकेज। अब हम एक एक को ध्यान से सुनेंगे। पहला ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज उस समय की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबर है जिसे दूसरी खबरों को रोक कर दिखाया जाता है। हमने यही बात की कि यदि कोई प्रोग्राम या कोई खबर चल रही है तो उसको रोक कर उसको दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और ताजा खबर होती है। ड्राई एंकर, एंकर द्वारा सीधे समाचारों का पढ़ना, कोई उसमें बीच में कोई भी एड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ड्राई एंकर मतलब रूखा सूखा मतलब सीधा। फोन इन प्रोग्राम, एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात कर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना जैसा कि लाइव होता है। एंकर विजुअल, खबर के साथ उसके फोटो दिखाना, एंकर क्या करता है पहले जो न्यूज है उसको तैयार करते समय उसके साथ फोटो फाइल फोटो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद है एंकर बाइट, बाइट यानी कथन, जब घटना के साथ उसकी पुष्टि के लिए किसी प्रत्यक्षदर्शी अथवा अन्य संबंधित व्यक्ति का कथन सुनाया जाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं ताकि विश्वसनीय हो जाए। उसके बाद लाइव, किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। उसके बाद होता है एंकर पैकेज, क्या है, किसी खबर को पूरा दिखाना, संपूर्णता में दिखाना, पूरा मतलब फुल फ्लेज में दिखाना, वह है एंकर पैकेज, मतलब पूरा दिखाया जाना। नेट साउंड रिकॉर्डिंग के साथ साथ आ जाने वाली प्राकृतिक आवाजें नेट साउंड कहलाती है। उसके बाद पत्रकारों के प्रकार क्या है, पत्रकार काम करते हैं उनके प्रकार भी जान लेते हैं। पूर्णकालिक, जो पूरी तरह से किसी समाचार पत्र के स्थायी कर्मचारी हैं पत्रकार हैं वो। अंशकालिक पत्रकार, किसी समाचार पत्र के अस्थायी पत्रकार। फ्रीलांस पत्रकार मतलब फ्रीलांस रिपोर्टर, जो कि स्वतंत्र पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र से बंधे हुए नहीं होते हैं। फिर है पत्रकारिता के द्वारपाल, किसे कहा गया है, जन संचार माध्यमों से प्रसारित एवं प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित निर्धारित करने वाले लोग द्वारपाल कहलाते हैं, या हम उन्हें संचालक या संप्रेषक भी कह सकते हैं, जैसे कि संपादक, डायरेक्टर, सहायक संपादक, ये सारे। उसके बाद है समाचार लेखन के छह कक्कार कौन से, सिक्स कक्कार, 5W and 1L, वो है क्या, किसने, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे हुआ, ये छह कक्कार। फीचर क्या है, मनोरंजन प्रधान लेखन जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ सूचित करना है, जानकारी प्रदान करना है, वो क्या है, फीचर है। ओप एड क्या होता है, ओप एड संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ जिस पर विचार परक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं उसे ओप एड कहा जाता है, ओप एड पेज। बीट क्या होता है, संवाददाताओं के मध्य उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन करना मीडिया की बीट कहलाती है, भाषा में बीट कहलाता है, क्षेत्र होते हैं
न्यूज पैग किसी खबर को किसी दूसरी खबर में जोड़कर पेश कर, एक खबर है उसके साथ उसको जोड़कर प्रस्तुत करना है न्यूज पैग, मतलब किसी के साथ मिक्स कर देना, समझ गए होंगे आप न्यूज पैग का मतलब। तो आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकार कौन कौन से हुए, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद हम दो क्वेश्चन और देखेंगे आज, स्तंभ लेखन क्या होता है, अखबार में किसी एक विषय पर विषय के विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाने वाला नियमित स्तंभ, जैसे भास्कर का, जयप्रकाश चोकसे का, पर्दे के पीछे, और पत्रिका में भी कई है। उसके बाद आता है HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज HTML। उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा, उदंत मार्तंड जो 1826 में निकला। संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। लेकिन एक जाते जाते एक समाचार पत्र, जो पहला समाचार पत्र कौन सा था, देखिए हिंदी का तो था उदंत मार्तंड, और उसके पहले पेज पे लिखा गया था, जब वो पहला पेपर निकला पहले अंक पे लिखा हुआ था, आज दिवस लो उग चुके मार्तंड उदंत। लेकिन लोगों ने क्या है, चंदा देना बंद कर दिया, उनका जो भुगतान था महीने मंगा लेते लेकिन देते नहीं थे, तो अगले 6 महीने बाद ये बंद करना पड़ा। उस पर लिखा हुआ था, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत, कि भैया कोई किसी तरह का हमें मिला नहीं तो हम इसको वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद पहला समाचार पत्र कौन सा, बंगाल गजट, जिसे कि हिक्की गजट भी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके जवाब हमें नहीं आते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज यदि आपने वीडियो सुन लिया तो आपकी आधी तैयारी वैसे ही हो जाती है जीके की, जो आपकी कंपिटेटिव एग्जाम है। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचारों के लिए और महत्वपूर्ण जो है सवालों के लिए या प्रश्नों के लिए देखते रहेगा परम क्लास चैनल। कल हम इसी तरह के कुछ और अन्य प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। तो दोस्तों कल देखते हैं, इसी समय मिलते हैं हम इसी मंच पर, तब तक के लिए धन्यवाद।